जय हिंद झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। बच्चा कितनी सुंदर तरीके से अपनी मम्मी को बोल रहा है, अपनी माँ को बोल रहा है कि वो आसमान को छूना चाहता है, वो ऊंचाई को देखना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए झूला लगा दिया जाए। लड़की कहती है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। यह छोटी सी बच्ची भी प्रकृति की खूबसूरती को देख रही है, समझ रही है कि डाली भी झूम रही है, पत्ता भी झूल रहा है, हम भी झूम रहे हैं। आगे देखिए, झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिम झिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। नीचे की धरती भी झूल रही है, सब खुश हैं, मैं उड़ना चाहता हूँ आसमान में, और रिम झिम का मतलब होता है बारिश की छोटी छोटी बूंदें। उड़कर मैं लूटू दल बादल, बादलों के समूह को दल बादल बोलते हैं, तो वो बच्चा बता रहा है कि मैं बादल बनना चाहता हूँ और बारिश करना चाहता हूँ हल्की हल्की। तो बच्चों आपने ये कविता पढ़ ली है, अब झ जो है झ को कैसे बनाते हैं देख लीजिए, और ऊपर की जो मात्रा है वो एक झूले से संबंधित है। आगे देखिए, इसमें अभ्यास है, झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी पर भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी मजा लेने लग जाते हैं, टायर पे, फाटक पे, दरी पे, मेज पर, डाली पर, झाड़ू पर, इनमें से किन किन चीजों पर वो चढ़कर झूला झूल सकते हैं। अब तो हमने इसका आंसर बताया है कि वो फाटक पर झूल सकते हैं और डाली पर झूल सकते हैं, तो आप सभी भी इन चीज़ों पर झूल सकते हैं, दरी, मेज, फाटक, ये सब कुछ दिया गया था। आगे देखते हैं, हमारे पास मेज भी है, पैर वाला झूला, ये आपके मम्मी पापा आपको ज़रूर झुलाते होंगे, अलमारी पर भी चढ़ जाते होंगे कुछ बच्चे, और डाली पर तो चढ़ते ही हैं, तो इनमें से पैर वाले झूले पर आप झूल सकते हो। देखो, अगर आप मेज पर चढ़ोगे और झूलने की कोशिश करोगे तो आपको चोट लग सकती है, तो उन चीज़ों से हमको दूर रहना है। आगे देखना है, ये आपको खुद बताना है कि मुझे रिक्त पर झूलने में मज़ा आता है। अब किसी को पैर वाले झूले पर मज़ा आता होगा, तो किसी पर डाली को पे झूलने पर मज़ा आता होगा। आगे लिखा है, मुझे रिक्त पर झूलने में डर लगता है। अब किसी को डाली पे झूलने से डर लगता है, किसी को फाटक पे झूलने से डर लगता है, तो बता देना यहाँ लिखकर, मुझे रिक्त पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो कोई बच्चा अगर मेज पे चढ़ेगा, दरवाजे पे चढ़ेगा, फाटक पे चढ़ेगा, तो डांट तो जरूर लगेगी। तो सभी बच्चे तीनों रिक्तों को भर लेंगे, जो उनको अच्छा लगता है, जिनसे उनको डर लगता है, जिनसे उनको डांट पड़ती है, भर लेंगे। हमने भी किया है, मुझे रिक्त पर झूलने में मज़ा आता है, तो झूला पर बिल्कुल ठीक है। मुझे रिक्त पर झूलने में डर लगता है, टायर पे अगर झूलोगे, वैसे तो झूलना चाहिए नहीं, पर झूलोगे तो डर लगेगा। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है, डाली पर, या आप लिख सकते हो कि फाटक पर, वो आप अपने हिसाब से लिखें। आगे है, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। जैसे ये जो लड़की है, ये डाली पर झूल रही है, तो इसने इसको मेले में देखा, स्कूल में देखा, पार्क में देखा, घर के आंगन में देखा, बगीचे में देखा, तो ये सब आपको लिखना है। आगे देखिए, ये जो झूला है, ये बगीचे पे झूल रही है लड़की, और ये लड़की जो है पार्क में,
और ये सी सब वाला जो होता है ये स्कूल में होता है, और घर के आंगन में आप टायर डाल सकते हो, और ये गोल वाला जो है वो मेले में है। तो आप इन सभी को अपनी किताबों में भर लेंगे। आगे है, झूले से सुहाने को क्या क्या दिख रहा होगा। लेकिन हमने ये सभी झूले यहाँ पर भी देख रखे हैं। सबसे ऊपर देखिए, घर के आंगन में और पार्क में हमको डाली पे झूला डला हुआ दिखाई देता है, मेले में हमको ऐसे झूले दिखाई देते हैं, पार्क में हमने सीसा वाला झूला देखा था, स्लाइडिंग वाला झूला देखा था, घर के आंगन में हम टायर में रस्सी डाल के झूला झूल सकते हैं, मेले में भी झूला झूल सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सब झूले आप झूलते हो जब भी आपके मम्मी पापा आपको बाहर लेकर जाते हैं, और आप सभी आनंद लेते हो। आगे देखिए, मिलाओ। अब ये अभ्यास है। अब आपको चार चित्र दिए गए हैं और चार शब्द लिखा है, ठेला, झूला, पेड़, गठरी। अब इन सब को आपको मिलाना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ को पेड़ से मिला देते हैं, ठेले को साइड से मिला देते हैं। इस तरीके से हम एक सही शब्द को दूसरे शब्द से मिला देंगे, सही चित्र को शब्द से मिला के हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो जाएगा। अब है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब जो बच्चों के चित्र बना सकते हैं वो बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं वो सिर्फ लिख दीजिए। अब हम सभी छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं, और बच्चे कहीं भी छिप जाते हैं, छोटा साइज है तो कहीं भी छिप जाते हैं, पेड़ के पीछे तो पहले दिखा है, फिर साइड में, मेज के नीचे, फिर झाड़ी के पीछे, और इधर चारपाई के नीचे। तो आप सभी इनके नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अपना चित्र बना लेंगे। आगे देख सकते हैं, जैसे पेड़ के पीछे, चारपाई के नीचे, झाड़ी के पीछे, या फिर मेज के नीचे। तो ये आप सभी कर लेंगे। आगे है, पकड़न पकड़ाई। अब ये काम आपको खुद करना है। इसमें आपको बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, जैसे ठेला है, सेब है, नाव है, गठरी है, नल है, अनार, अलमारी, छाता, मछली। इन सभी को ठ म न अ छ, इन सभी वर्णों से मिलाना है। जैसे मछली में म भी आता है और छ भी आता है, अनार में अ भी आएगा और न भी आएगा, छाता में छ आएगा, नाव में न आएगा, ठेले में ठ आएगा। अब ये सब आपको मिलाने हैं, और ये जो आपके सामने एक टेबल दी है इसमें भरना है। नीचे मैंने इनका आंसर लिख दिया है। जैसे ठ ठेले में आता है, गठरी में आता है, मछली में छ है, छतरी में छ है, म मछली, अलमारी, अ अनार, अलमारी, न न में अनार, नल और नाव। आप सभी पहले पाठ का अभ्यास अच्छे ढंग से कर लेना। धन्यवाद।